हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनबॉक्स इट। लेट्स अनबॉक्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो जैसा कि आप फ्रेम में देख सकते हैं, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं nykaa.com से मंगाए गए कुछ कॉस्मेटिक्स। लेट्स अनबॉक्स इट। सो अगेन, सबसे पहले पैकेजिंग बहुत सेफ, बहुत अच्छा है। द सूटकेस काइंड ऑफ सेम पैनल। अब लेट्स अनबॉक्स द प्रोडक्ट्स वन बाय वन। ये है मेरा बिल। एट फर्स्ट वी हैव बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायोडेंटलियन विजिबली एजलेस सेरम्स 2 बॉटल्स। ये मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में अनबॉक्स किया है। ये सेरम है एंटी एजलेस वाला, विच विजिबली रिपेयर्स रीबैलेंसेस द स्किन। सो दीज आर द 2 पीसेज ऑफ इट। आई विल जस्ट ओपन वन फॉर यू। वैसे मैं पिछले वीडियो का लिंक भी नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस इज अ सेरम विच यू हैव टू अप्लाई पोस्ट मॉइस्चराइजर। सो दिस इज बायोटिक्स बायोडेंटलियन विजिबली एजलेस serum which will rebalance your skin and it will prevent your premature aging and wrinkles. Now next I have Bio Saffron Youth Dew विजिबली एजलेस मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स। दिस इज एंटी एजिंग स्किन मॉइस्चराइजर। इस बार मैंने बहुत सारे बायोटिक प्रोडक्ट्स अनबॉक्स किए हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। दिस इज द कंटेनर, ब्यूटिफुल पैकेजिंग, एंड दिस इज बायो सैफ्रन यूथ ड्यू विजिबली एजलेस मॉइस्चराइजर। दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ एंटी एजिंग सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर। सो दिस इज द पैकेजिंग। The fragrance is very, very soft and light. It's a very good moisturizer. So next we have Biotique's Advanced Ayurveda Bio Morning Nectar, which is also visibly flawless skin moisturizer for dry skin. ये भी मैंने पहले unbox किया हुआ है in the video which I was mentioning about. So this is a moisturizer which is in the semi-liquid consistency. It is also good for extremely dry skin types. Next is this Wow Onion Black Seed Hair Oil, which I wanted to try since long. मैं बहुत पहले से ही order करना चाह रही थी, पर इस बार मुझे नायका के सेल पे बहुत अच्छे ऑफर प्राइस पे मिल गया है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई कि इस बार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब पे बहुत हैवी डिस्काउंट था, तो उसके हिसाब से आई हैव ऑर्डर्ड। अब जैसे ये ऑयल 599 का था, आई थिंक आई हैव पेड लेस देन 300 रुपीज फॉर दिस। बेस्ट पार्ट इज इट कम्स इन अ प्लास्टिक बॉटल एंड अ पंप बॉटल एप्लीकेटर। सो इवन इफ यू ड्रॉप इट बाय मिस्टेक, ये टूटेगी नहीं। तो पैकेजिंग अच्छी है, रिजल्ट्स इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग हैं, बट अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज फ्रॉम नायका दिस टाइम। नाउ नेक्स्ट इन द फ्रेम यू कैन सी एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। दिस इज पैराफिन फ्री फ्रॉम वाओ। दिस आई हैव यूज अर्लियर, दो द कंसिस्टेंसी इज नॉट एज सच लाइक अदर शैम्पूज, बट इसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा लिक्विडी है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। कम्स इन अ पंप बॉटल एंड अगेन अ प्लास्टिक थिंग। इट इज़ अ 300 ml पैकेजिंग और ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है, पैराफिन फ्री है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग, एंड इट हैज़ द गुडनेस ऑफ एप्पल साइडर विनेगर ऑल्सो। मूविंग ऑन, दिस इज द लास्ट थिंग लेफ्ट टू अनबॉक्स फ्रॉम दिस बॉक्स। सो यू कैन सी दिस वेरी वेरी क्यूट लिटिल बॉक्सेज आउट हियर एंड वन आईब्रो पेंसिल विच हैज़ अ ब्रश हियर। सो दिस इज सील्ड। दिस पेंसिल इज फ्रॉम मिस क्लेयर एंड द शेड इज टूवर्ड्स मोका ब्राउन। इट्स नॉट अ परफेक्ट ब्राउन, नॉट अ ब्लैक एट ऑल, but the shade is mocha brown. If you can see, it's not very pigmented, but yes, the kind of texture it has, it is required. Agar aapko natural eyebrow filling ke liye kuch chahiye, natural look ke liye, so this is a good pencil. Now, I have these 3 very small cute packaging here. These are Wet n Wild eyeshadows. So these are in 3 different colors. The first one is Novio, second is your Envy, and third is again your Mesmerized, Envy and Moonchild. Novio is the particular brand signature for this Wet n Wild eyeshadow. These costed me a very good under 100 rupees. I'll try to open them. See, I think I'm a little disappointed with the packaging. Kholte kholte mere haath mein thoda pigment lag gaya hai. I don't know whether it's the poor packaging or what. So finally I am able to open the first one. Oh, it's all broken. So that is why. I'll have to return this. I'll have to check the return policy. Very disappointed with this one. The pigmentation is good, but it's broken. I'm not sure about the other things also, how the other two would be. Finally, this is safe. This is the color Envy. It is towards green, very beautiful green color. Not very highly pigmented, but yes, good to use. Easy to use. And this is the last shade, which is Mesmerized. Thank God this is also safe. The color is towards purple, not very highly pigmented. These eyeshadows are good, but I wouldn't give them a 10 on 10. I can give them a 7 on 10 or 6 on 10 would also be fair.
So yes, this is my purchase. As you can see, out of the three, I received two in a very good condition, but the third one, which was blue in color, in a very, very bad condition, it is absolutely broken. So yes, that is all for this video. If you like this video, give it a thumbs up. Definitely like, share, subscribe, and comment. Thank you.